हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनिंग क्लासेस अगेन। आज आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर सभी को। चलते हैं, करते हैं अपने कंप्यूटर के 2023 के पेपर के सॉल्यूशंस की तरफ कि आखिर इसमें क्या चीज़ें हैं जो दी गई और हमें डिस्कस करते हुए करना है। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप हर चीज़ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और करवाया भी जा रहा है आपको, और आपकी चीज़ें कवर भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही हैं। उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। कुछ भी अगर होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट कराई जाए और बढ़िया तरीके से आप कर पाएँ। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली, सभी का स्वागत है यहाँ पर। जो भी चीज़ें मैं करवा रही हूँ, ये 2023 का पेपर आपके रीसेंट ईयर का पेपर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये बात सही है, बट 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट करना नहीं उचित है, क्योंकि 100% सारा रिपीट हो जाएगा ये नहीं पॉसिबल। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को समझते हुए करिए तो वो शायद आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये आपका 2023 का पेपर, इसका सलूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हर चीज़ को समझेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, फिर कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा आप, ठीक है। तो क्या हम बढ़ें अपने पेपर की तरफ, करें आप मेरे जितने फ्रेंड्स पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेस्ट चीज़ सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, कोई समस्या होगी तो ज़रूर पूछिएगा। 2023 का पूरा पेपर है तो यहाँ पर सलूशन मैं आपको देने चल रही हूँ, तो ध्यान से हर एक चीज़ को देखिए और आपकी हर एक चीज़ भी बेस्ट से बेस्ट तरीके से करवाने की पूरी कोशिश भी करूँगी कि हर चीज़ें हो जाएं। तो चलते हैं, देखते हैं पेपर को, डिस्कस करते हैं कि ये 25 नंबर का पेपर है और यहाँ पर कैसे प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं, ये 2023 का पेपर है आपके रीसेंट ईयर का, एक घंटे का आपका पेपर होगा, देख सकते हैं। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो मैं क्वेश्चंस को दिखाती हूँ जैसे पेपर मुझे मिला है, करवाने की कोशिश है। क्वेश्चन है बायोस का पूरा नाम, मैंने आपको हमेशा कहा है कंप्यूटर में फुल फॉर्म ज़रूर आएंगे, शॉर्टकट की इसको पढ़ के चलिए। तो बायोस का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम, कौन सा ऑप्शन है जो बायोस का पूरा फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बता रहा है, विच ऑप्शन इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, क्या सही होगा, एक सिंगल ऑप्शन कौन सा है जो सही है, जल्दी रिप्लाई देते हुए बताइए। बायोस का जो पूरा नाम है वो यहाँ पर क्या है, कौन सा ऑप्शन है जो एकदम करेक्ट है, एक सिंगल ऑप्शन कौन सा है जो करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि बायोस का जो पूरा नाम है वो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही वाला आपका सही है, ठीक है। तो पहले में दूसरा जिन्होंने भी चूज़ किया है उनका ये करेक्ट है, बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इस तरीके से जो फुल फॉर्म्स हैं उन्हें ज़रूर मार्क आउट करिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली यूज़ होती है, दशमलव प्रणाली, ऑक्टा प्रणाली, हेक्साडेसिमल और बाइनरी सिस्टम। आज के प्रेजेंट टाइम में जो भी कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, तो वो चीज़ इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक नंबर सिस्टम का सेटअप होता है जो बहुत यूज़ होता है प्रॉपर तरीके से, तो किसको यूज़ करके बनाया गया है, नंबर प्रणाली ऐसी कौन सी है नंबर सिस्टम की जिनको यूज़ करके, जिनका प्रयोग करके कंप्यूटर को बनाया गया है, तो वो होता है बाइनरी प्रणाली। ये दो डिजिट का होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम दो होता है, एक का मतलब ज़ीरो है, एक का ऑफ वन होता है, एक का ऑफ है और एक का ऑन होता है, जो कि इस तरीके से ये बाइनरी सिस्टम पे वर्क करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, अगर आप आर्ट के फील्ड से हो और आपको चाप बनाना है तो लाइन के थ्रू आप बनाएंगे, रेक्टेंगल के थ्रू आप बनाएंगे, कर्व के थ्रू आप बनाएंगे या ब्रश के थ्रू आप बनाएंगे। ड्राइंग एरिया में जो चाप को खींचा जाता है वो आप किसके थ्रू बनाएंगे, कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा बताइए। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, कौन सा ऑप्शन है जो आपका करेक्ट होगा, क्या है जो सही है। तो ये कह सकते हैं कि फोर्थ के थ्रू आप यहाँ पर जो चीज़ें बनाएंगे वो आपका एक सिंगल ऑप्शन है, वो आप कर्व के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। तीसरे में आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ऐसे पांच प्रश्न आपको आएंगे, 12 नंबर के ऊपर पाएंगे तभी आप पास होंगे, 11 नंबर पे बैक लगेगी, तीन सब्जेक्ट में बैक लगेगी, पूरा पेपर फिर से देना होगा 8 के 8 पेपर। तो इतनी कोशिश करिए कि बैक से आपका कोई भी वास्ता दोस्ती रहे ही ना जाए, आप अच्छे तरीके से उनको निकाल के कर लें, बैक ज़रूर लगती है, इतना ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आइए, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग करना, तुलना करना, इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। जो डेटास होते हैं उनको अरेंज करो, उनको व्यवस्थित करो, उनकी गणना करना, ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा।
डाटा को पूरा अरेंज करिए, उनकी गणना करिए, उनकी कैलकुलेशन करिए, ये सब चीज़ें क्या हैं जो आपको समझ के चलनी है। तो ध्यान रखिएगा कि जो राइट ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना, तुलना करना, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है जो डेटाज होते हैं उनको प्रोसेस करना, गणना कहलाता है। क्या आप उन पर वर्क कर रहे हैं, उनकी लिस्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ भी उस पर काम है कर रहे हैं, तो वो उसमें आप जो है उनको प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5th है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। 5 मिनट में हमने 5 प्रश्न को किया है। आपको ध्यान रखना है कि ये 5 MCQs 5-5 करके आएंगे, तो इस तरीके से ध्यान रखिए। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, वो किसे कहते हैं? मॉनिटर को, CPU को, प्रिंटर को, CPU को? राइट आंसर क्या होगा? CU को। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? 5th में क्या सही है? एक सिंगल ऑप्शन सही, CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसको कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, ये क्या कहलाता है, तो वो CPU ही होता है। ठीक है, 5th में आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 5th के लिए तीसरा सही है, CPU ही है। तो क्या 5 out of 5 नहीं मिला 2023 के पेपर को करके? बिल्कुल डेफिनेटली मिला होगा, और इसी तरीके से इस बार का भी पेपर आपका ज़रूर आएगा। हम आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं आपके क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है कंप्यूटर से, लेकिन बहुत ईजी सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा। ये आपके लघुत्तरी हैं, लघुत्तरी हैं, इसमें अति लघुत्तरी के क्वेश्चंस कहाँ गए? अरे मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही क्रॉप हो गया पेपर। चलिए कोई बात नहीं, मैं करवा दूँगी, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, मैं करवा दूँगी। फ़िलहाल के लिए यही देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें कह रहा है सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं और सर्च इंजन के नाम बताइए। सर्च इंजन और ब्राउज़र में फ़र्क होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साधारण सा एक सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इस तरीके के छोटे छोटे हेडलाइन के प्रश्न जरूर आते हैं। पूछ रहा है सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, यही पूछ रहा है ना आपसे, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं? मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सिस्टम होता है जिसे यूज़र को, जो यूज़र होते हैं जैसे कि आप और मैं, हम लोगों को इंटरनेट पर जो भी विशिष्ट डेटाबेस या जानकारी होती उसको सर्च करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक तरीका है, कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम का सेटअप है, जहाँ पर हम जाते हैं, जैसे कि गूगल है, वहाँ पर हम जाते हैं, उसके थ्रू हम वहाँ पर जाकर हम यूज़र कहलाते हैं, हम उपयोगकर्ता कहलाते हैं, हम यूज़र है, और इंटरनेट की हेल्प पर जाकर कोई विशिष्ट चीज़ होती है उसको खोजते हैं। तो आप कह सकते हैं सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो उपयोगकर्ता को, उनको इंटरनेट पर जोड़ता है, और जो भी जानकारी होती है उनको लेने में, उनको सर्च करने में मदद करता है। तो ये इस तरीके से आपको जो है, याहू भी एक सर्च इंजन है, गूगल भी क्या है, एक सर्च इंजन है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको। या बिंग भी है, याहू, यहाँ पे पूछा ना कि कुछ इंजनों के नाम लिखे, तो याहू, बिंग, गूगल, इनका नाम आप आराम से लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। फिर एक बात पूछा गया है, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए। चलिए अंतर की बात बता दो, तो जब कभी भी अंतर कभी भी किसी भी चीज़ का लिखने को आए तो हमेशा 2 पार्टीशन बनाकर लिखेगा, इधर इंकजेट प्रिंटर के बारे में, इधर लेज़र प्रिंटर के बारे में। अब प्रिंटर से प्रश्न बनेगा, मेमोरी से भी प्रश्न बनेगा, कई सारी चीज़ें हैं जो ज़रूर आएंगे, आपको करना होगा। इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि इंकजेट प्रिंटर इंक के थ्रू वर्क करता है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर में मुख्य अंतर बताइए। इनके बारे में कह सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी हाई क्वालिटी में यूज़ किया जाता है, फ़ोटो वगैरह में कलर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको हम यूज़ करते हैं। ऐसा भी कुछ पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं, या तो कि इनके बीच में यह है कि लेज़र प्रिंटर जो होता है वो टोनर एक कार्ट्रिज होता है उसका उपयोग करते हैं, इंक जेट में इंक की कार्ट्रिज का यूज़ होता है। ध्यान से सुनिएगा, लेज़र प्रिंटर में टोनर कार्ट्रिज का प्रयोग होता है, किसका होता है, टोनर कार्ट्रिज का प्रयोग होता है, और जो इंक जेट प्रिंटर होता है उसमें इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। नहीं पता है तो सुनिए इस बात को, लेज़र प्रिंटर बहुत अधिक अच्छे होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी वर्क करते हैं, बहुत तेज़ी से प्रिंट करते हैं, उनका काम करने का जो कम समय में ज़्यादा काम देते हैं, लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो पेज पेज वाइज करते हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है।
इंकजेट की तुलना में काफ़ी चीज़ें ध्यान में सो एक इंकजेट में क्या होता है, आवाज़ भी बहुत आती है, टक 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 की बहुत आवाज़ से आती, काफ़ी शोर भी होता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे 2 से 3 पॉइंट जो है ज़रूर बनाकर लिख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इंकजेट तकनीकी में कागज़ पर जो पेपर होते हैं स्याही की छोटी छोटी बूंदों को सटीक तरीके से फैलाकर या उसको रख कर उस पर इमेज बनती है, तो ये इंकजेट का तरीका होता है। इस तरीके से इंकजेट प्रिंटर क्या करते हैं, काम करता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंकजेट प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसकी छाप पड़ती है, लेकिन लेज़र प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और प्रिंटर भी 2 प्रकार का इसीलिए होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है, पता है कि नहीं? अगर ध्यान से चीज़ों को सुन रहे हैं तो पेपर भी आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, इतना मुझे तो ध्यान है, लेकिन आपको समझना होगा। अब लाइट पेन क्या होती है, लाइट पेन से आप क्या समझते हैं? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। लाइट पेन क्या होती है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं लाइट पेन जो होती है वो एक प्रकार के कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस होती है, जिसमें एक लाइट सेंसिटिव तरीके से बैंडेड रूप में उसमें लगी होती है, जिसका यूज़ जो है वो कंप्यूटर के कैथोड रे को डिस्प्ले के संयोजन के साथ बनाया जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, या तो आप ये भी बता सकते हैं कि लाइट पेन एक कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जो प्रकाश की छड़ी के रूप में होती है, उसका यूज़ हम कैथोड रे के डिस्प्ले के साथ करते हैं। इस तरीके से भी कुछ बातें अपने आप से लिख सकते हैं। ये प्रश्न आएगा तो यानी कि ऐसे लाइट पेन, जॉयस्टिक, इंकजेट, प्रिंटर, मेमोरी, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, जो बेसिक प्रश्न हैं आपको आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? लाइट पेन और जॉयस्टिक के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में, आउटपुट डिवाइसेस उनके बारे में, तो ये दिमाग में रखिए कि ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एमएस वर्ड बताइए। ये एमएस ऑफिस का एक ऑफिस बॉक्स है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, आउटलुक, पीपीटी और एमएस एक्सेस, ये सारी चीज़ें क्या हैं? यहाँ एमएस वर्ड का पर ये एक दस्तावेज होता है जहाँ पर हम लोग अपनी चीज़ों को लिखते हैं। एमएस वर्ड किसे कहते हैं आपसे यही पूछा जा रहा, तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये एक लोकप्रिय वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बनाया गया एक वर्ड प्रोसेसर होता है, जहाँ पर हम बहुत ही व्यापक रूप से इसको इस्तेमाल करते हैं। इवन ये जो पेपर मैंने आपका ये बनाया है, ये भी एमएस वर्ड पे ही बनाया है, जहाँ पर हम ब्लॉग्स लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसीलिए बना हुआ है ताकि हमारी चीज़ें सॉल्वेबल तरीके से सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया, तो ये एमएस वर्ड के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मल्टीमीडिया, मल्टी का मतलब मेनी, मेनी का मतलब मोर देन 3, मोर देन 4। तो मल्टीमीडिया के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को अपना कम समय में काम कर लेते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप लिख सकते हो। मल्टीमीडिया किसे कहते हैं आप इसके बारे में बता सकते हैं। मल्टी का अर्थ होता है बहु और विविध, मीडिया का मतलब होता है माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जहाँ पर हम वीडियो देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, एनिमेशन भी देख रहे हैं, पाठ को रीड भी कर रहे हैं, बहुत सारे माध्यम उसके एक साथ हम इंटरेक्टिव तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर वीडियो है, एनिमेशन है, ऑडियो है, लिखने वाली चीज़ें हैं, ब्लॉग है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम एक साथ कर सकते हैं। पढ़ाई का भी काम कर सकते हैं, मीडिया का, इंटरेक्टिव मीडिया का भी काम कर सकते हैं, संचार का भी काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के काम ही यही है, जहाँ पर एक साथ मल्टीपल चीज़ें शामिल होती हैं और आप मल्टीपल काम एक टाइम पर कर सकते हैं मल्टीमीडिया की हेल्प से। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण देकर समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण देकर समझाइए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जो सिस्टम को ऑपरेट करे, जो कंप्यूटर आप चलाते हैं उसको भी तो कोई ऑपरेट करना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं आपसे ये भी चीज़ पूछी जाएगी, तो लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। हर चीज़ को चलाने की एक चाबी होती है, किसी किसी चीज़ से चलती है, वैसे सिस्टम भी ऑपरेटिंग सिस्टम OS के थ्रू चलता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हर सिस्टम में, हर लैपटॉप में इंस्टॉल रहता है पहले से, तो वहाँ पर उसके थ्रू काम करते हैं। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो प्रोसेस होता है, जो हार्डवेयर लगा होता है, उन सबको मैनेज करता है, उन सबको प्रॉपर तरीके से काम करने की फंक्शनिंग को देखता है कि काम ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा, दिक्कत कहाँ पे आ रही, चीज़ें कैसे एक्सेस नहीं कर रही हैं, ये सारी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। तो इसको OS लिखा जाता है। ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम्स को बूट करता है,
कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को बूट करने में मदद करता है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में, यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस को बनाकर रखता है कि यूज़र की चीज़ को लेकर और वहाँ पे मशीन से काम करवाएगा। इस तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, क्लियर हुआ बात समझ में? उम्मीद तो है कि मैंने अपना पूरा फर्स्ट देखकर समझाने की कोशिश की है कि रटिए नहीं, अगर रटेंगे तो हमेशा भूल जाएंगे, अगर समझ जाएंगे तो लिख लेंगे। रिसाइकिल बिन क्या होती है? रिसाइकिल बिन कंप्यूटर सिस्टम की डस्टबिन होती है। जो भी चीज़ें, कोई फाइल है, कोई मूवी है, कोई गाना है, कोई पिक्चर है, कोई फोटो है, कुछ भी है, वॉट एवर इट डजेंट मैटर, उसको जब हम उस स्थान से सी ड्राइव में रखें, डी ड्राइव में रखें, ई ड्राइव में रखें, किसी भी ड्राइव में रखें, डाउनलोड में रखें, कहीं पर भी रखें सिस्टम में, हम उसको अगर डिलीट करेंगे तो वो तुरंत इसी बल्टी में आकर गिर जाएगा। तो ये कचड़े की बल्टी, जो सिस्टम के कचड़े की बल्टी होती है, जैसे हमारे घरों में होती है, वैसे कंप्यूटर के भी डस्टबिन होती है। तो रिसाइकिल बिन एक प्रकार का डस्टबिन होता है, जहाँ पर अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर जाकर ये एक महीने बाद अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाती है। आप जाओ डिलीट करो तुरंत, नहीं तो एक महीने बाद, 30 डेज बाद अपने आप चीज़ें डिलीट देखने को मिलती हैं। तो रिसाइकिल बिन कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। ठीक है, इसमें लघुतरी प्रश्न में छूट गई, ध्यान नहीं दिया, लघुतरी तक पूरा बताया। उम्मीद है कि मैंने 2023 का बहुत ही अच्छे से तो आपको सोल्यूशन बताया। बाकी और प्रश्न जो हैं वो आपको कर रहे हैं, मॉडल पेपर तैयार किया था, जल्दी ही करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है तो पूछिए। टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, एग्ज़ाम तक ज़रूर ज्वाइन रहिए, कोई समस्या है तो पूछिए। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, कोई दिक्कत होगी बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, नेक्स्ट में मिलते हैं।